तो गाइस आज के युग में यहाँ पर रेसलर सक्सेस होने के बाद गाड़ी बंगला यहाँ पर बदल देते हैं, पर रोमरेज अपना यहाँ पर कोच ही बदल दिए। जी हाँ गाइस, रोमरेज का अगला कोच पॉल हिमन नहीं बल्कि यहाँ पर रिकी सी होने वाले हैं। और गाइस इस बार जब रोमरेज अपने यहाँ पर रिटर्न लेंगे तो आप देख सकते हैं उनके साथ यहाँ पर रिकी सी देखने को मिलेगा, ना कि पॉल हिमन। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है, आखिर रोमरेज ने ऐसा क्यों कि यहाँ पर पॉल हिमन को हटाकर रिकी सी को रख दिया, और क्या रिकी सी यहाँ पर सच में इंटरेस्टेड है ब्लड लाइन का यहाँ पर वॉइस बनने के लिए। तो गाइस इस बार कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, जो ब्लड लाइन के न्यू वॉइस मैन होने वाले वो होंगे रिकी सी, जो कि एनआर फैमिली के मेंबर्स हैं। और गाइस इस समय आप ब्लड लाइन के बारे में काफी बढ़िया से जान रहे होंगे कि इस समय ब्लड लाइन एक काफी डोमिनेटिंग और फैक्शन बन चुका है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और गाइस इस ब्लड लाइन को बनाने के पीछे यहाँ पर रोमरेंज का काफी बड़ा हाथ है, इन्होंने यहाँ पर जिमी उसो और जे उसो को साथ लेकर एक ब्लड लाइन टीम तैयार किया। उसके बाद यहाँ पर पॉल हिमन बने थे रोमरेंज के वॉइस मैन, जिन्होंने रोमरेंज को काफी बढ़िया सपोर्ट किया था, और यहाँ पर वॉइस मैन के द्वारा रोमरेंज ने काफी बढ़िया अचीवमेंट किया था। किसी भी मैच या टाइटल को जीतने के लिए यहाँ पर पॉल हिमन का मास्टरमाइंड होता था और रोमरेंज का एक्शन, दोनों मिलाकर एक काफी बढ़िया टीम तैयार कर लिया था इन्होंने। और गाइस ये सब लगभग यहाँ पर 4 साल चलता है, जहाँ रोमरेंज 4 साल लगातार यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप बने होते हैं। और तभी वहाँ पर रेसलमेनिया 40 मैच होता है, जहाँ कोडी रोड डिथ्रोन कर देते हैं रोमरेंज को। उसके बाद गाइस यहाँ पर रोमरेंज, जिमी उसो और जे उसो जाने के बाद यहाँ पर सोलो सिकोवा एक और टीम तैयार कर लेते हैं ब्लड लाइन का। इस टीम में आपको देखने को मिलेंगे टामा टोंगा, टामा लोवा और उसके बाद जैकब फातू। और गाइस यहाँ पर रोमरेंज के न रहने पर यहाँ पर सोलो सिकोवा ने पूरा भार थाम लिया है यहाँ पर ब्लड लाइन का, और उन्होंने एक काफी बढ़िया फैक्शन तैयार कर दिया है। और गाइस यहाँ पर तभी सोलो सिकोवा ने यहाँ पर फोर्स किया था पॉल हिमन को इनको एक्नॉलेज करने के लिए, पर यहाँ पर पॉल हिमन ऐसा करने से मना कर देते हैं सोलो सिकोवा को। और गाइस यहाँ पर पॉल हिमन का ऐसा मानना था कि यहाँ पर उनकी एक ही ट्राइबल चीफ है और वो है रोमरेंज, और उसके अलावा और किसी को यहाँ पर एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर पॉल हिमन के मुंह से ऐसा सुनने के बाद यहाँ पर अटैक कर देते हैं पॉल हिमन के ऊपर सोलो सिकोवा। तो गाइस इस सब बात को यहाँ पर साइड में करते हैं और बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर रिकी सी सच में इंटरेस्टेड है वाइस मैन बनने के लिए ब्लड लाइन का। तो वेल गाइस इस पर रिकी सी ने काफी क्लियरली मेंशन कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि अगली वो वाइस मैन होने वाले यहाँ पर ब्लड लाइन के। जब किसी ने उनसे पूछा क्या आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस आइडिया पर, तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि वो बिल्कुल इस आइडिया पर यहाँ पर इंटरेस्टेड है। आप ये पिक भी देख सकते हैं जहाँ ये इनके फ्यूनरल का है, इनके ही फैमिली में यानी कि रोमरेंज के डैड जब यहाँ पर एक्सपायर हुए थे तो यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर एक साथ फोटो खिंचाया था। और गाइस यहाँ पर रिकी सी ने ये भी कहा कि उनको एक काफी बढ़िया मौका एक बार फिर से मिला है डब्ल्यूओ में यहाँ पर अपना रोल दिखाने के लिए और ब्लड लाइन के साथ काम करने के लिए। गाइस यहाँ पर रोमरेंज, जे उसो, जिमी उसो और सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टामा लोवा और यहाँ पर जैकब फातू, ये सब सारे यहाँ पर इनके ही फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकी सी और भी एक्साइटेड है इस बार यहाँ पर ब्लड लाइन में काम करने के लिए। और गाइस ये वाली न्यूज जब से यहाँ पर पॉल हिमन ने सुना तब से उनके यहाँ पर फटी पड़ी हुई, क्या वो सच में रिप्लेस हो जाएंगे। वैसे गाइस आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि अगला यहाँ पर ट्राइबल चीफ कौन होने वाला है ब्लड लाइन का, क्या रोमरेंज होंगे या फिर यहाँ पर सोलो सिकोवा होने वाले हैं।